भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी ने किया अजमेर उत्तर में जनसंपर्क। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने चौधरी को तोला खेलों से। विधायक वासुदेव देवनानी ने भेंट की तलवार। लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन बाकी रह गए। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी ताबड़तोड़ प्रचार और जनसंपर्क कर रहे हैं। आज भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी अजमेर उत्तर पहुंचे। जावर पहुंचने के साथ ही कार्यकर्ताओं ने और समर्थकों ने चौधरी का जोरदार स्वागत किया और मालाएं पहनाने के बाद केलों से तोला। इसके बाद विधायक वासुदेव देवनानी ने चौधरी को तलवार भेंट की। विधायक देवनानी ने एक बार फिर मोदी सरकार बनाने का दावा ठोका। आज सारे क्षेत्र के अंदर सवेरे से जिस प्रकार का जनसंपर्क हो रहा है, उसमें कार्यकर्ताओं और जन का जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, जगह जगह पुष्प वर्षा करके, मालाएं पहना करके, जिससे मिठाई वितरण करके और जिस तरह से आतिशबाजी करके और कई जगह तोल करके जो एक उत्साह का संचार हो रहा है, वास्तव में लगता है जन जन की भावना है कि एक बार दोबारा मोदी जी की सरकार बने। भारत माता की। और अजमेर में जिस तरह से कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया है, जिसका अजमेर से कोई लेना देना नहीं है, जो साल भर में से लगभग 8 महीने विदेश में रहता है, बाकी 4 महीने अपना व्यवसाय करता है, जिन्हें अजमेर जिले का कोई कोना नहीं देखा, जनता की समस्याओं से कभी जूझा नहीं, कभी सुनी नहीं, और उसकी तुलना में हमारा प्रत्याशी एक सरल स्वभाव का सामान्य कार्यकर्ता, जनता की समस्याओं के लिए सदैव हल करने में समर्पित, इस कारण से हमें पूर्ण उम्मीद है कि 8 विधानसभाओं में अजमेर उत्तर के अंदर सर्वाधिक हम बढ़त देखा करके मोदी जी को वास्तव में सत्ता में ला करके इस देश से आतंकवाद को समाप्त करेंगे, भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे और पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए भारत का परचम विश्व के अंदर फहराएंगे। देखिए कार्यकर्ताओं में और जनता में जबरदस्त उत्साह है। नरेंद्र भाई मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री सब देखना चाहते हैं। इस देश को अखंड भारत बनाए रखना है, समृद्ध राष्ट्र बनाना है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के ऊपर चुनाव लड़ रही है और मुझे तो बहुत खुशी की बात है कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए ऊपर से ऊपर तक से लेकर नीचे बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता सब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को अजमेर संसदीय क्षेत्र से जिता रही है। आम जनता में जबरदस्त उत्साह है, सब चाह रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने।